प्यारे बच्चों, आप सभी को जय शु। आप सभी कैसे हो? पिछली बार की कहानी याद आ रही है? कहानी नहीं, घटना है। घटना यीशु के बारे में, चमत्कार की घटना बहुत अच्छी लगी थी। आज भी वही कहानी सुननी है। आज हम यीशु के जीवन की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनेंगे। आप सभी तैयार हो? ठीक है, तो हम यीशु को आमंत्रित करें। सबसे पहले अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करते हैं, ठीक है? जब प्रभु यीशु हमारे बीच आएंगे तो वे हमें अच्छी तरह से कहानी को सुनने, समझने और अपने जीवन को बदलने की आशीष भी देंगे। तो हम अपनी आंखों को बंद करें। हे प्यारे यीशु, हम आपके पवित्र वचनों पर विश्वास करते हैं कि आपने कहा है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज आपके इस वादे को फिर से हम याद करते हुए आपके सामने आए हैं और आपके बारे में हम जितना सुनते हैं, आपके करीब आने के लिए हम में तत्परता है। आप हमारे जीवन में आइए और हमारी बुद्धि को आलोकित कीजिए ताकि हम आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहे। हे धन्य कुआरी मरियम, हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ते जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, यीशु के बारे में, चमत्कारी प्रभु के बारे में, करुणावान प्रभु के बारे में, और किस बारे में हमने पढ़ा था? रोटी और मछलियों के बारे में, वेरी गुड, और 12 टोकरों के बारे में, बहुत अच्छा, और कितने लोगों को प्रभु ने खिलाया था खाना? 5,000, बहुत अच्छा। अब हम आगे पढ़ते हैं आज पाठ 14 में कि यीशु किस प्रकार हमें प्यार करते हैं और प्यार करने के लिए ना ही सिर्फ चमत्कार किंतु सब कुछ देने को भी तैयार है। सब कुछ मतलब स्वयं की जान की बलि देने के लिए भी प्रभु हमारे लिए तैयार थे। तो पाठ 14 जिसका शीर्षक है ईसा हमारे लिए सलीब पर मरे। ये सलीब क्या होता है? ये सलीब क्रूज, जिसे हम क्रूज के नाम से जानते हैं। क्रूज कैसा होता है? एक लकड़ी ऐसे और एक ऐसे, और उस पर यीशु मरने के लिए तैयार थे। अब इस क्रूज पर चढ़ाने के पीछे एक लंबी बात है, और वह बात क्या है? अब आइए मैं आपको सुनाती हूँ। अब जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमने पिछले पाठों में क्या पढ़ा है? यीशु बहुत ही अच्छे राजा के रूप में बन सकते थे। यीशु बहुत ही लोगों के प्रिय थे, जिसे हम लोकप्रिय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यीशु उनके बीच में एक हीरो जैसे बन गए, जिनके पीछे पीछे जनता पीछे पीछे आती थी। अब यीशु ना ही सिर्फ जनता पीछे आती थी वचनों को सुनने के लिए, किंतु चमत्कार, चंगे लोग चंगे होते थे, मरे हुए लोग जी जाते थे, उनमें जीवन आता था, बीमार लोग चंगे हो जाते थे, अंधे, लंगड़े, बहरे, सबको चंगाई मिलती थी। यह सब देखकर कौन जलने लगे? उस समय के राजा लोग बहुत जलने लगे। उन्हें क्या लगने लगा कि कहीं जनता, यीशु तो उनके लोकप्रिय है, कहीं जनता उन्हें अपना राजा ना बना ले और हमें कहीं ठुकरा ना दे। यह किन्हें ऐसा लगने लगा? यहूदियों के नेताओं को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये जनता यीशु को राजा ना बना दे। यीशु के कितने शिष्य थे? 12, और 12 शिष्यों में से एक जन का नाम क्या था?
यूदस। और यूदस ने क्या किया? यीशु के साथ विश्वासघात किया। अब ये विश्वासघात कैसे किया? यूदस ने क्या किया? यूदस पैसों का बड़ा लालची व्यक्ति था। और जब हम पैसों की लालच में आते हैं ना, तो प्यारे बच्चों, हम बहुत बड़ा धोखा कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो यीशु जो कि गुरु थे, किसके? यूदस के गुरु थे, फिर भी यूदस ने पैसों की लालच में आकर यीशु के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। अब उसने क्या किया? वो पैसों की लालच में किसके पास गया? यहूदियों के नेताओं के पास गया और नेताओं को जाके बोला कि मैं बताऊंगा यीशु कौन है, वो मेरा गुरु है ना, मैं बताऊंगा कौन है, और आप उसे पकड़ लेना और इसके बदले में मुझे चांदी के 30 सिक्के मुझे देना। और इस प्रकार एक शिष्य ने अपने गुरु का सौदा कितने सिक्कों में किया? 30 सिक्कों में कर दिया। अब जब यीशु ने अपने शिष्य के साथ में अंतिम भोजन किया और उसके बाद में जब यीशु अपने शिष्य के साथ प्रार्थना करने के लिए कहाँ गए? गेत्सेमनी बाग में गए। और वहाँ पर जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तब यह यूदस यहूदियों के नेताओं के साथ वहाँ पर आ गया और उसने क्या किया? सबके सामने जाकर अपने गुरु को एक चुम्बन किया, एक बार किस किया। यह चुम्बन किस लिए उन्होंने किया? यह बताने के लिए कि यही यीशु है जिन्हें तुम पकड़ना चाहते हो। और फिर जितने भी उनके साथ में सेना आई थी, जितने भी सिपाही आए थे, उन्होंने आकर यीशु को गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ जानते हो? वे यीशु को पकड़कर कहाँ लेकर गए? महायाजकों के पास, नेताओं के पास, और यीशु के ऊपर झूठी निंदा लगाने लगे, झूठे दोष लगाने लगे, और इस प्रकार से यीशु को मारने लगे, ढूंसे और मुक्के, लात, लकड़ी, और ना जाने किस प्रकार से यीशु को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से उनकी इंसल्ट की और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारपीट की। और फिर एक कांटे का मुकुट, बहुत ही जहरीले कांटे का मुकुट बनाकर उनके सिर में लगा दिया और उनके मुंह पर थूकते थे और पूछते थे, अब बताइए तुम्हें किसने मारा, तुम पर किसने थूका। प्यारे बच्चों, उस समय पर, यीशु के समय पर सबसे बड़ी सजा, सबसे बड़ी शर्मनाक मौत या तो फिर दंड क्या होता था? क्रूस पर मनुष्य की मृत्यु। और यीशु को सबसे शर्मनाक, सबसे घिनौनी मौत दी गई, क्रूस की मौत। और यीशु को उन्होंने प्राणदंड के लिए कहाँ पर लेकर गए? क्रूस पर लेकर गए। अब यीशु अपना क्रूस उठाने लगे। यीशु के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी क्योंकि उन्होंने इतना मारपीट किए थे, फिर भी यीशु हमारे लिए, हमें प्रेम करते हैं ना, इसलिए वे इस क्रूस को उठाकर कहाँ तक लेकर गए? कलवारी की पहाड़ की चोटी तक लेकर गए। और वहाँ पर जाकर उन्होंने यीशु के दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कील, बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी और यीशु को क्रूस से पूरी तरह से कील से ठोक कर उन्होंने क्या किया? यीशु को क्रूस पर लटका दिया। और यीशु के क्रूस के दोनों ओर डाकू थे। यीशु को डाकुओं के बीच में रखा गया, उन्हें भी एक डाकू की तरह देखा गया। इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु, जो हमें प्यार करते हैं, हमारे लिए अपने प्राण देने को भी तैयार हो गए। अब जब यीशु को उन्होंने क्रूस पर लटका दिया, तो यीशु एकदम से मर गए क्या? नहीं, यीशु के शरीर से एक एक लहू की बूंद पूरी तरह से निकल चुकी थी, बस उनके अंदर प्राण बचा था। और उस प्राण और उस वेदना को सहते हुए यीशु ने 3 घंटे क्रूस पर बिताए। और 3 घंटे क्रूस पर अत्यंत पीड़ा को सहने के बाद में यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। अब यीशु प्राण त्यागने के पहले क्या कर रहे होंगे? 3 घंटे रो रहे होंगे? नहीं, यीशु उसी प्रेम के खातिर
हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जिन्होंने यीशु को सताया, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने यीशु के बारे में बहुत भला बुरा कहा, उन सब के लिए यीशु क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें क्षमा करते हुए उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी को क्षमा करते हुए यीशु ने अंत में कहा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे हाथों सौंपता हूँ। और इस प्रकार प्रभु ने अपनी आत्मा को पिता ईश्वर के हाथों में सौंपकर अपनी जान दे दी। तो यह है हमारे प्रभु यीशु का अनंत प्रेम। अब जैसे हमने कहानी में पढ़ा था कि प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे थे और क्रूस पर टंगकर अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? देखिए, आपके लिए होमवर्क में लिखा है, सेंटेंस अधूरा है, आपको कंप्लीट करना है। इन्हें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इन्हें। तो क्या आएगा उत्तर? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आपका सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा? आपको लिखना है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अब आगे देखिए, खालिस्तान भरिए। खालिस्तान में क्या करना है? हमको प्रभु यीशु के जैसा ही करना है। अब पहली लाइन में लिखा है, ईसा ने सभी को प्रेम किया, मैं भी ईसा की तरह सभी को प्रेम करूंगा या करूंगी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ईसा ने सभी को क्षमा किया, मैं भी सबको क्षमा करूंगी या करूंगा। ईसा ने सभी की भलाई की, मैं भी ईसा की तरह सबकी भलाई करूंगा या करूंगी। अब आइए हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न क्या है आपका? देखिए अपनी बुक में, ईसा क्यों क्रूस पर मरे? और उसका उत्तर होगा, ईसा हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर मरे। अब दूसरा प्रश्न है, ईसा को किस जगह पर क्रूस पर चढ़ाया गया था? और उसका उत्तर होगा, गोलगोथा नामक स्थान पर ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब तीसरा प्रश्न है, ईसा ने क्रूस पर अपने बैरियों के लिए क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की थी? क्षमा कर। वेरी गुड। ईसा ने क्रूस पर अपने बैरियों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ से यह सीखा कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने, हमारे गुरु ने, लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था और जिन्होंने उन्हें बहुत मारपीट की थी, बहुत भला बुरा कहा था, फिर भी यीशु उन्हें क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज हम यह सीखते हैं कि हम जब अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेने देने में झगड़ा होता है, तो हम उन्हें क्षमा करेंगे और फिर दूसरे ही क्षण उनसे बातें करना शुरू करेंगे। हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत दिन तक बात ना करते हुए, एक दूसरे से दुश्मनी बनाते हुए बिल्कुल नहीं रहेंगे और अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ताकि जब प्रभु यीशु हमें देखे कि मेरे बच्चे मेरी तरह बन गए हैं, तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो आइए हम इस कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। हे प्रेमी यीशु, आपका अनंत प्यार आज हमें इस धर्म शिक्षा में सच में समझ में आया कि आपने हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। आपने दुश्मनों के सामने भी आपने अपना मुंह नहीं खोला, किंतु हमें मुक्ति देने के लिए आपने अपने जान भी देने के लिए तैयार हो गए। आज हम आपसे कृपा मांगते हैं कि हमें भी आपका अनुसरण करने की कृपा दीजिए। एक अच्छे क्रिश्चियन होने के नाते हमें क्षमा करना सिखाइए, हमें प्रेम करना सिखाइए और मिल बाँट कर जीना सिखाइए। हे धन्य कुआरी मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम अच्छे क्रिश्चियन बनते हुए क्रिस्त का अनुसरण कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।
आमीन।